जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बहुत अधिक थी। बचपन से ही उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो चुका था और भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। बड़े होने के बाद उस व्यक्ति की शादी हुई, लेकिन शादी के बाद उसकी समस्याएं और बढ़ गई। उसके जीवन में एक परेशानी खत्म होती तो दूसरी आ जाती। एक दिन वो प्रसिद्ध संत के पास गया। व्यक्ति ने संत से कहा कि मुझे अपना शिष्य बना ले, मैं परेशान हो गया हूँ अपने जीवन से, मैं बहुत दुखी हूँ। संत ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मुझे बताओ क्या परेशानी है। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी सामने आ जाती है, इस कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ, किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी समस्याओं का हल बता दूंगा, अभी तुम मेरे साथ चलो। गुरु नए शिष्य को लेकर नदी किनारे गए। किनारे पर पहुंचकर गुरु ने कहा कि हमें ये नदी पार करनी है। ये बोलकर वही खड़े हो गए। शिष्य भी गुरु के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, हमें नदी पार करनी है तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? गुरु ने जवाब दिया कि हम इस नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं, जब ये सूखेगी हम इसे आसानी से पार कर लेंगे। शिष्य को आश्चर्य हुआ। वो बोला, गुरुजी, ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा? हमें नदी को इसी समय पार कर लेना चाहिए। संत ने कहा कि मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता हूँ। जीवन में भी समस्याएं तो आती ही रहेंगी, हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, तभी तो हम उन्हें हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याओं के हल मिलते जाएंगे, अगर रुक जाएंगे तो एक भी बाधा पार नहीं हो पाएगी। शिष्य को गुरु की बात समझ आ गई और उस दिन के बाद उसकी सोच बदल गई। बुद्धिमान वही है जो वर्तमान को ठीक प्रकार से समझे और परिस्थितियों के अनुसार आचरण करे। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होनी चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और आगे और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।